हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उसे फैला दीजिए आग की तरह और मैक्सिमम अपने दोस्तों को और चहेतों को जोड़ लीजिए, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील करके, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। आज आप बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में, कि अस्कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते और यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे तुम्हें दुनिया कहे पागल आशिक आवारा दीवाना, लेकिन याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए आपको बिना किसी का गमों का साया छा करके, ये नहीं है कि आप किसी गम हो जाता है तो उसको लेकर के अपनी लाइफ को खराब कर ले, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्तों। आपको हमेशा मुस्कुराकर जीना है, मुस्कुराकर हमेशा अपनों के साथ में रह करके अच्छी तरीके से आपकी लग्जरी लाइफ जीनी है। तो लग्जरी लाइफ का जो ख्वाब आपने देखा था, उसे जीने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रुकना है, आने वाले नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन उस दिन के लिए आपको रातों जाग करके मेहनत करके कई रातों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बनते हैं उनको बातों से नहीं, उनको रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा अपना ख्याल रखते हुए, अपनी स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। बिना माइंड को, आपको माइंड को फ्रेश करके अच्छी तरीके से बिना कोई स्ट्रेस लिए पढ़ाई करना है, तो उसका जो बेनिफिट मिलता है आपको ज्यादा मिलता है। बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, ऑक्यूपेशनल नर्सिंग के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब होता है कि किसी भी काम करने वाले वर्कर के, किसी भी ऑक्यूपेशन में काम करने वाले वर्कर के फिजिकल, मेंटल और उसका जो सोशल जो इफेक्ट होता है या हेल्थ होती है, उसे ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी ऑक्यूपेशन में काम करने वाले पर्सन की सोशल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है, इसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ के नाम से जाना जाता है। अब मेनली अपन बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में। बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जो यहां से क्वेश्चन नहीं उठाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या होते हैं, ऑक्यूपेशन में काम करने की वजह से क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, उन्हें ही ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के नाम से जाना जाता है। तो सब इंपॉर्टेंट अपन बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशन से कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं। तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले न्यूमोकोनियोसिस की, न्यूमोकोनियोसिस की बात करते हैं कि न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या होता है। न्यूमोकोनियोसिस का मतलब होता है कि यहां पर किसी भी डस्ट को अगर आपने इनहेलेशन किया है डस्ट का, और उसकी वजह से अगर कोई डिजीज होती है, तो उन्हें न्यूमोकोनियोसिस के नाम से जाना जाता है। तो इनहेलेशन ऑफ डस्ट, डस्ट का इनहेलेशन करने की वजह से होती है, इसे नाम दिया जाता है न्यूमोकोनियोसिस के नाम से जाना जाता है। न्यूमोकोनियोसिस का मतलब ही होता है किसी भी तरीके की डस्ट हो, चाहे वो एस्बेस्टोस डस्ट हो, सिलिका डस्ट हो, सिलिकोसिस हो, या एंथ्रेक्स वाली डस्ट हो, कॉटन डस्ट हो, सुगर केन डस्ट हो, या टिन डस्ट हो, आयरन डस्ट हो, किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज में कोई भी डस्ट होती है, और अगर आप डस्ट का इनहेलेशन करने की वजह से कोई भी हैजार्ड्स होता है या कोई भी डिजीज होती है, तो उन डिजीज को कॉमनली नाम दिया जाता है न्यूमोकोनियोसिस। तो सभी डिजीज जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि डस्ट को इनहेलेशन करने की वजह से होती है, नाम दिया जाता है न्यूमोकोनियोसिस के नाम से उसको जाना जाता है। तो बात करेंगे न्यूमोकोनियोसिस में कौन कौन सी डिजीज आती है, लिखते हैं तो यहां पर वन बाय वन करके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है, तो इसे आपको साथ के साथ में नोट्स बनाना है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस किसे नाम से जाना जाता है, तो एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आपको लिखना है किसकी वजह से क्या कौन सी डिजीज होती है। तो एस्बेस्टोसिस क्या है, एक डिजीज होती है, और किसका इनहेलेशन करने की वजह से होती है, या कौन कौन सा इसका हैजार्ड्स हो सकता है, तो कौन से डस्ट को इनहेलेशन का, यहां पर आप कौन सी इनहेलेशन ऑफ डस्ट, किस
कौन सी डस्ट है उसका इनहेलेशन करने की वजह से डिजीज हो रही है। तो बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे एस्बेस्टोसिस के। एस्बेस्टोसिस क्या होता है? एस्बेस्टोसिस का मतलब होता है एस्बेस्टोस डस्ट का अगर आपने इनहेलेशन कर लिया है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस डस्ट अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा एस्बेस्टोसिस किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है एस्बेस्टोस डस्ट का अगर इनहेलेशन कर लिया जाता है और उसकी वजह से कोई डिजीज होती है तो उसे एस्बेस्टोसिस के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है। सिलिकोसिस की बात करें तो सिलिकोसिस किससे होता है, तो सिलिका डस्ट। अगर सिलिका डस्ट का आपने इनहेलेशन किया है सिलिका डस्ट का, तो उसकी वजह से जो डिजीज फैलती है उसे नाम दिया जाता है सिलिकोसिस के नाम से जाना जाता है। थर्ड की बात करते हैं, एंथ्राकोसिस का मीनिंग क्या होगा, तो थर्ड डिजीज होती है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस क्या होती है? अब एंथ्राकोसिस का मतलब होता है अगर कोल डस्ट है, कोल डस्ट, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है कोयले की खदानों में काम करता है, कोल माइल्स में काम करता है, तो कोल माइल्स में जब काम करेगा तो वहां से कौन सी डस्ट होती है, कोल डस्ट देखने को मिलेगा। और जब वो कोल डस्ट का इनहेलेशन कर लेता है तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे एंथ्राकोसिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोल डस्ट से जो डिजीज होती है एंथ्राकोसिस के नाम से जाना जाता है। एंथ्राकोसिस का मतलब होता है कोल डस्ट। बात करें बाइसिनोसिस की और बैगासोसिस, बैगासोसिस और बाइसिनोसिस आपको हर बार यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो बात करते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस का मतलब क्या होता है? बाइसिनोसिस का मतलब देखने को मिलेगा, बाइसिनोसिस किसे कहते हैं, तो बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट। अगर कॉटन डस्ट का इनहेलेशन करने की वजह से होता है तो इसे बाइसिनोसिस के नाम से जाना जाता है और इसी को नाम दिया जाता है मंडे फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मेनली मंडे को जब पर्सन सैटरडे तक काम करेगा, मंडे को जैसे यहाँ पर सैटरडे के बाद में संडे की छुट्टी लेता है, मैक्सिमम में संडे की छुट्टी रहती है, उस दिन जब वो सो करके उठेगा तो मंडे के दिन इसको क्या मिलेगा, फीवर तैयार मिलता है, पूरी तरीके से थक जाता है सैटरडे तक काम करते करते। उसके बाद में मंडे संडे की जैसे छुट्टी आती है, उसके बाद में मंडे को जब मॉर्निंग में उठता है तो उसको क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे मंडे फीवर के नाम से जाना जाता है। तो बाइसिनोसिस का मतलब होता है कि यहां पर कॉटन डस्ट से एलर्जी देखने को मिलती है या उसके इनहेलेशन से जो डिजीज होती है उसे नाम दिया जाता है बाइसिनोसिस। बात करते हैं दूसरे कंफ्यूजन के, बैगासोसिस क्या कहलाता है। अब बैगासोसिस का मतलब क्या है, बैगासोसिस क्या डिजीज होती है, तो बैगासोसिस का मतलब होता है कि बैगासोसिस में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, और यहां पर शुगर केन में भी क्या आ रहा है, शुगर केन में भी क्या है, जी आ रहा है। तो आपको जी और जी से याद रखना है, इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि बैगासोसिस का मतलब क्या होता है, बाइसिनोसिस का मतलब क्या होता है। बाइसिनोसिस का मतलब होता है कॉटन डस्ट से अगर एलर्जी होती है तो उसे नाम दिया जाता है बाइसिनोसिस कहेंगे, लेकिन बैगासोसिस का मतलब होता है कि यहां पर अगर शुगर केन डस्ट से कोई एलर्जी होती है तो उसे नाम देते हैं बैगासोसिस। अब बैगासोसिस में भी जी आ रहा है, यहां पर देखिए बैगासोसिस में जी है और शुगर केन में भी यहां जी आ रहा है, तो जी और जी से याद रखना है, जी फॉर जे, तो बैगासोसिस एंड शुगर केन में जी आ रहा है, तो शुगर केन की डस्ट से जो डिजीज होती है बाइसिनोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है कि बाइसिनोसिस क्या होती है, बैगासोसिस क्या होती है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, बैगासोसिस का मतलब होता है कि शुगर केन डस्ट से जो एलर्जी होती है बैगासोसिस कहलाएगी, इसमें भी जी आ रहा है बैगासोसिस में और शुगर केन में भी क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो जी और जी से याद रखना है, शुगर केन डस्ट से जो एलर्जी होती है या जो डिजीज होती है उसका इनहेलेशन करने से उसे नाम दिया जाता है बैगासोसिस के नाम से जाना जाएगा। एंथ्राकोसिस कोल डस्ट होती है और कोल डस्ट में या तो कोल डस्ट की वजह से हो सकता है या फिर स्मोकिंग करने की वजह से हो सकता है। स्मोकिंग में क्या होगा,
जैसे अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, टू टाइप से स्मोकिंग देखने को मिलती है, पैसिव स्मोकिंग ज्यादा जानलेवा होती है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर मान लीजिए, अगर आप कोई मान लीजिए दो पर्सन है, तो दो पर्सन है या दो पापा की परियां है, तो एक पापा की परी क्या कर रही है यहाँ पर, सिगरेट का स्मोकिंग कर रही है, और दूसरी पापा की परी उसके पास में बैठी है, लेकिन वो क्या कहती है, मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। लेकिन जैसे ही एक पापा की परी ने क्या किया, एक्टिव स्मोकिंग करे, उसने सुट्टा खींचा, सिगरेट पिया, तंबाकू खाया, या फिर उसके बाद में क्या कर लिया, हुक्का पी लिया, तो उसके बाद में क्या देखने को मिला, जैसे भी उसने एक्टिव क्या किया, स्मोकिंग किया, और उसके पास में जो दूसरी पापा की परी बैठी थी उसने उसको क्या कर लिया, अब जैसे उसने स्मोकिंग किया उसके बाद में उसका क्या निकलेगा, फोग आएगा, तो उसने जैसे उसको फोग को निकाला बाहर, उसके धुएं को दूसरी वाली पापा की परी ने उसको इनहेल कर लिया, और जैसे इनहेल करेगी वो क्या हो जाएगा, उसके लंग्स तक चला जाता है। तो इसीलिए एक्टिव और पैसिव होता है, दोनों तरीके से स्मोकिंग का इफेक्ट आता है। इसीलिए जब भी अगर आपके पास में कोई बैठ करके पीता है, तो आपको अच्छी तरीके से उसके पास से उठ करके दूर चले जाना है, क्योंकि जब आप अगर उससे कहोगे कि मैं पी रहा हूं, मेरे पैसों से पी रहा हूं, तेरे को क्या दिक्कत है, तो वो कहेगा, उसको ये पता नहीं है कि जो मैं पी रहा हूं मेरे के अलावा मेरे पास वाले को भी नुकसान कर रही है, उसको भी स्मोकिंग करवा रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं मानने वाला है मेरे दोस्तों। तो उससे लड़ने झगड़ने से अच्छा है आप वहां से उठ करके दूसरी जगह जा करके बैठ जाइए, इसमें आपका भी भला है, सामने वाले का भी भला है, क्योंकि अगर आप दोनों में झगड़ा होगा, दो वो आपके लगाएगा, दो आप उसके लगाओगे, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी अगर ऐसा कोई सीन आपके सामने क्रिएट होता है, आपको उससे दूरियां बना लेनी है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर वेगासोसिस हो गया, बायसिनोसिस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, जीव जिसे याद रखना है शुगर कैन डस्ट, और जिसे याद रखना है वेगासोसिस, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको डील हो गया है। बात करते हैं स्टेनोसिस के, कि स्टेनोसिस कौन सी डिजीज से फैलता है या किससे फैलता है स्टेनोसिस, स्टेनोसिस और स्टेनोसिस फैलता है वो टिन डस्ट से देखने को मिलेगा। अगर टिन की डस्ट से फैलता है तो उसे नाम दिया जाता है टिन डस्ट से, टिन डस्ट के इनहेलेशन से जो डिजीज होती है उसे स्टेनोसिस के नाम से जाना जाता है। बात करें साइडेरोसिस क्या होगा, साइडेरोसिस क्या होता है, तो साइडेरोसिस का मतलब होता है कि अगर आयरन डस्ट से इनहेलेशन से अगर कोई डिजीज होती है, आयरन डस्ट से उसको इनहेल करने की वजह से अगर कोई डिजीज होती है साइडेरोसिस होगा। स्टेनोसिस का मतलब होता है टिन डस्ट से अगर एलर्जी होती है या उसको इनहेलेशन करने से डिजीज होती है तो उसे स्टेनोसिस के नाम से जाना जाता है। बात करें फार्मर लंग्स के, तो उसे फार्मर लंग्स इज ऑल्सो नोन एज किसके नाम से जाना जाता है, और क्या डिजीज हो सकती है, तो यहां पर आपको याद रखना है फार्मर लंग्स किसमें देखने को मिलेगा या कौन सी डिजीज में वो आप नाम देते हैं, किसकी वजह से फार्मर लंग्स होता है, तो ग्रेन डस्ट की वजह से या मोल्ड हे की वजह से क्या देखने को मिलेगा, ग्रेन डस्ट या मोल्ड, ग्रेन डस्ट या फिर मोल्ड, मोल्ड है की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको फार्मर लंग्स देखने को मिलेगा। फार्मर लंग्स का मतलब होता है कि यहाँ पर एक डिजीज होती है, किसकी वजह से होगी, या तो ग्रेन डस्ट को इनहेलेशन की वजह से हो सकती है, और ग्रेन डस्ट का दूसरा नाम है मोल्ड है का, इनहेलेशन करने की वजह से अगर कोई डिजीज हो जाती है लंग्स के, तो उसे नाम दिया जाता है मेनली फार्मर लंग्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, उसके बाद में आगे बढ़ने वाले हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का जो कैंसर होता है स्किन का, वो कौन सा कैंसर होगा, अगर कोई ऑक्यूपेशनल पर्सन है या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, तो उसकी वजह से मेनली कौन से टाइप का कैंसर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये आपकी कौन कौन से डिजीजेज होती है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, किस डिजीज को किस नाम से जाना जाएगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ, एस्बेस्टोसिस का मतलब होता है एस्बेस्टोस डस्ट से देखने को मिलेगा, सिलिकोसिस का मतलब होता है सिलिका डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होता है, एंथ्राकोसिस होता है कूल डस्ट या स्मोकिंग की वजह से जो पार्टिकल होते हैं कार्बन के, उनके इनहेलेशन की वजह से देखने को मिलेगा। बायसिनोसिस का मतलब होता है कॉटन डस्ट के इनहेलेशन करने की वजह से होगा, और उसे मंडे फीवर के नाम से जाना जाता है। बात करें वेगासोसिस, तो वेगासोसिस का मतलब होता है शुगर केन डस्ट का इनहेलेशन करने के वजह से होगा, स्टेनोसिस का मतलब होता है टिन डस्ट का इनहेल करने की वजह से होता है, साइडेरोसिस होगा आयरन डस्ट का इनहेल करने की वजह से होता है, फार्मर लंग्स होता है वो है
हेमोल्डी या मोल्डी है या ग्रेन डस्ट का इनहेलेशन करने की वजह से होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैला दीजिए इसे अपने मैक्सिमम दोस्तों तक और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाले हर कोई वीडियो की नोटिफिकेशन, हर कोई क्लास की नोटिफिकेशन, हर किसी तरीके के एग्जाम का नोटिफिकेशन और किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम को फाइट करना है, सभी के बारे में यहाँ पर गाइड कराया जाता है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किस तरीके का और क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो बढ़ेंगे यहाँ पर, बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर सीन इन द ऑक्यूपेशनल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर सीन इन ऑक्यूपेशनल पर्सन में कौन से टाइप का, या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में कौन से टाइप का कैंसर देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में कौन से टाइप का मेनली कैंसर देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर आपको देना होता है कि मेनली स्किन कैंसर होता है, वो किसकी वजह से, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से देखने को मिल सकता है। 75% इसमें चांसेस होते हैं, किसमें 75% या 75% चांसेस होते हैं कि यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो कैंसर की बात पूछी जाए तो कौन सा कैंसर होगा, स्किन का कैंसर देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से क्या हो सकता है, ऑक्यूपेशनल डर्पेटाइटिस। अगर कैंसर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहां से ऐसे आएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कैंसर कौन सा है, तो वहां पर स्किन कैंसर आपको आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि ऑक्यूपेशनल, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, अब इसमें कहीं भी कैंसर का जिक्र नहीं किया है, तो आपको आंसर देना है यहाँ पर क्या हो सकता है, वहां पर डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला होगा डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाएगा। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है डर्मिस का इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस, इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस, अगर डर्मिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पूरा क्या है, यहाँ पर निचोड़ है यहाँ का कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में पूछा जाए तो वहां पर डर्मेटाइटिस आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा कैंसर होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से, तो स्किन कैंसर वहां आंसर जाएगा, 75% चांसेस होते हैं। अब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है, इट इज प्रिवेंटेड बाय, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द 4P, को 4P से रोका जा सकता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में डर्मेटाइटिस होने से चार तरीके से या 4P से इसको रोका जा सकता है, कौन कौन से, किस तरीके से प्रिवेलेंस किया जाएगा, तो यहां पर आप 4P लिख लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4, 4P से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट पी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर करना है आपको प्री प्लेसमेंट करना है, प्री प्लेसमेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप जांच करते हैं या जब भी आप ऑक्यूपेशन में वर्क करवाते हैं तो उनसे पहले उसकी सभी जांचें करनी है, प्री प्लेसमेंट कर देना है, अगर उसको डिजीज है तो उसको नहीं काम करवाना है वहां पर। बात करें सेकंड पी में क्या देखने को मिलेगा कि उसको क्या करवाना है, प्रोटेक्शन यूज करवानी है। आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी तरीके का ऑक्यूपेशन में काम करते हैं और वहां पर मान लीजिए वहां इंजरी होने के चांसेज है, तो उसको क्या करवाना है पर, तो अच्छी तरीके से उसको प्रोटेक्टिव जो भी गारमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव जो भी आपकी डिवाइसेज होती है वो पहन करके काम करना है। मान लीजिए आप किसी माइल्स में काम कर रहे हैं और वहां से चांसेस है कि ऊपर से कुछ गिर सकता है, तो उसको क्या पहनाना है, हेलमेट पहना करके अच्छी तरीके से वर्क करवाना है। ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन में आ गया। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, प्रोटेक्शन होती है तो प्रिवेंशन करना है, और प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन करोगे और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होती है, तो अगर मान लीजिए किसी तरीके का आपने बहुत गंदे होकर रखते हैं, मान लीजिए किसी डस्ट में, डस्ट पार्टिकल्स में आप काम कर रहे थे किसी माइल्स में जहां पर बहुत डस्ट उठती है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आंखों पे पूरी तरीके से अपने चेहरे को कवर करना है, आंखों से यहां पर गूगल्स पहन करके काम करना है, सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट पहनना है, और हमेशा क्या करना है, बाद में अच्छी तरीके से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन
करना है, घर जाकर के नहाना है, धोना है अच्छी तरीके से, साफ सफाई पे ध्यान देना है, तो ये क्या हो गया, प्रिवेंशन कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके। और पीरियोडिक यहां पर क्या करवाना है, चेकअप करवाना है, पीरियोडिक चेकअप, पीरियोडिक चेकअप या पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट, पीरियोडिक चेकअप कराओ या फिर पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट करवाना होता है। अब पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट कब करवाना है, तो एवरी थ्री ईयर, प्रत्येक तीन साल में आपको अपनी जांचें करवानी होती है, अपना हेल्थ का असेसमेंट चेक करवाना है एवरी थ्री ईयर्स, प्रत्येक तीन साल में उसका हेल्थ का असेसमेंट करवाना है। तो ये क्या हो गया, हेल्थ असेसमेंट में एवरी थ्री इयर्स में उसका क्या करवाना है, हेल्थ असेसमेंट करवाना है, पीरियोडिक चेकअप करवाना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट या एवरी थ्री इयर्स में करवाना ही करवाना होता है। इस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले प्रीप्लेसमेंट करो, वहां पे सभी जांचें करनी है आपको, जब भी आएगा कोई पर्सन उसकी पूरी जांचें करवाइए, अगर उसमें किसी तरीके की डिजीज है तो वहां पर उसको काम करवाना नहीं है, प्रोटेक्शन यूज करना है, जैसे हेलमेट वगैरह का यूज करना है ताकि आप क्या नहीं हो, वहां पर किसी तरीके की इंजरी ना हो। बात करें प्रिवेंशन के, तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। अब किस तरीके से आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके डिजीज के चांसेस को कम कर सकते हैं, पीरियोडिक चेकअप करवाना है एवरी एटलीस्ट थ्री ईयर में तो करवाना ही करवाना होता है, ताकि अगर कोई भी डिजीज होती है तो उसका अर्ली स्टेज में पता करके उसका इलाज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो जल्दी से यहाँ पर अपने सीट की पेटी बांध करके सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से आपका सफलता का विमान है वो उड़ करके आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार है। टेन टेन टेन, यहाँ पर जल्दी से आप अपनी सीट की पेटी बांध करके तैयार रहे, आ जाते हैं अपने बोर्ड पर या स्क्रीन पर चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि मेनली आपका अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर आप 5 स्टार लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि लैड पॉइजनिंग क्या होती है। अब लैड पॉइजनिंग से जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जानी जाती है, तो इसे नाम दिया जाता है प्लंबिज्म। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से आता है, प्लंबिज्म किसे, लैड पॉइजनिंग को, लैड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक नंबर दिला करके जाता है कि लैड पॉइजनिंग को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो लैड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज द प्लंबिज्म एंड इसे दूसरा नाम दिया जाता है। तीसरा नाम लिखिए, तीसरा नाम होता है पेंटरकोलिक, पेंटरकोलिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है इसका कि लैड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज प्लंबिज एंड पेंटरकोलिक। तो बहुत बार एग्जाम में आज तक पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लंबिज्म इज आल्सो नोन एज, सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक नंबर दिलाकर जाएगा, नहीं तो चार माइनस वन थर्ड माइनस भी करवा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है। बात करते हैं अब मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है लेड पॉइजनिंग का, वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलता है, तो ये प्लंबिज्म कैसे हो सकती है, तो मोस्ट कॉमन जो रूट होता है इसका ट्रांसमिशन का, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन की वजह से होता है। अगर आपने क्या कर दिया है, लैड का पॉइजनिंग होती है कब होगी, अगर आपने लैड को ज्यादा इनहेलेशन कर लिया है, मान लीजिए लैड लेकर के, मान लीजिए जैसे किस किस में पाया जाता है लैड, तो आपके पेट्रोल पदार्थ में देखने को मिलता है, पेट्रोल हुआ, गैसोलीन हुआ, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उनमें ज्यादा देर तक रहते हैं, या फिर आप पेट्रोल के क्या हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं, या फिर जो डायरेक्ट आती है आपकी लैड उसको क्या करते हैं आप, इनहेल करते हैं, तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इनहेलेशन की वजह से होता है। लेकिन अदर कौन कौन से हो सकते हैं, अदर कौन कौन से रूट होते हैं जिनकी वजह से भी फैल सकता है, तो अदर रूट ऑफ ट्रांसमिशन, अदर कौन कौन से रूट होते हैं, मोस्ट कॉमन तो ये हो गया, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, तो वहां पर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, अगर आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया है लैड के डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी मेनली देखने को मिल सकता है, या इंजेक्शन करने की वजह से, या स्किन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, या मान लीजिए आपने क्या कर दिया, उसका इंजेक्शन कर लिया, और इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपने उसको क्या कर लिया है, बाइट करके आप उसको निगल लिया है, खा गए हैं, तो खाने की वजह से हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कैसे आएगा, तो स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। अगर आप उसको स्किन से बार बार पकड़ते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और लेकिन बात पूछी जाती है कि जब भी अगर कोई मरकरी का या लेड पॉइजनिंग होती है, वो फ्लोर पर गिर जाता है, तो उसको आपको कभी भी डायरेक्ट हाथों से उसको नहीं छूना है, क्योंकि क्या हो सकती है, उसमें आप में लेड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि लेड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है डायरेक्ट आपके स्किन से। इसलिए उसको हमेशा क्या करना होता है, हमेशा ग्लव्स वाले हैंड से, और डायरेक्ट ग्लव्स वाले हैंड से भी नहीं पकड़ना है उसको। और जब भी आपको उसको क्या करना है, लेड को आपको अलग से पैक करना होता है एक जिप में, उसको दूसरे वाले प्लास्टिक जिप में डालना है, दूसरे को तीसरे यानी तीन जिप वाले बैग में उसको डाल करके वापस से रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, इससे आगे क्या हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। सोर्स ऑफ द पॉइजनिंग इज द पेट्रोल गैस हुआ, गैसोलीन हुआ, और ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या देखने को मिलता है, किसकी वजह से हो सकता है, तो ये हो सकता है पेट्रोलियम। डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं किसके वजह से, तो पेट्रोल, जो पेट्रोल पदार्थ होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, गैसोलीन की वजह से, या फिर ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट होते हैं, कि जहां पर क्या हो गया है, वहां पर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि पेट्रोल वाले पंप में क्या लग गई है, आग लग गई है, तो पेट्रोल की वजह से, गैसोलीन या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से, एग्जॉस्ट की वजह से मोस्ट कॉमन लेड पॉइजनिंग देखा जाता है। अब सबसे ज्यादा यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नोट करिए कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन एंड अर्ली साइन क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन एंड जो अर्ली साइन देखने को मिलता है प्लम्बिज में या लेड पॉइजनिंग का, वो क्या देखने को मिलेगा, फेशियल पैलोर होती है। तो मोस्ट कॉमन एंड अर्ली साइन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन नोट करिए, मोस्ट कॉमन एंड अर्ली साइन ऑफ लेड पॉइजनिंग, या लेड पॉइजनिंग या कह दो, या इसे प्लम्बिज्म कह दीजिए, तो लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म की वजह से जो मोस्ट कॉमन और अर्ली साइन आता है क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर फेशियल पैलोर देखने को मिलती है। फेस होगा पीला कलर का और व्हाइट कलर का अपीयरेंस का हो जाता है, नॉर्मल से व्हाइट या येलो कलर का जो अपीयरेंस हो जाएगा फेस का, ये मोस्ट कॉमन और अर्ली साइन होता है कि यहां क्या हो चुका है, लेड की पॉइजनिंग हो चुकी है, या लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लम्बिज्म, या प्लम्बिज्म के नाम से पूछ ले, या पूछ ले कि लेड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन और अर्ली साइन क्या होता है, तो ये होगा फेशियल पैलोर देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया। अब बात करते हैं कि इसमें मोस्ट कॉमन का टाइप का जो एनीमिया देखने को मिलेगा वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया सीन इन प्लम्बिज, मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया देखा जाता है किसमें, प्लम्बिज में, वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहां पर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। अब हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक क्या होता है। माइक्रोसाइट का मतलब होता है नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसकी साइज कितनी होती है, 7 माइक्रोन की होगा, अगर 7 माइक्रोन से अगर आरबीसी का साइज है वो लेस देन 7 माइक्रोन हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, लेस देन 7 माइक्रोन साइज देखी जाती है आरबीसी के, तो उसे नाम दिया जाता है यहां पर माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी की जो साइज है वो छोटी हो चुकी है, माइक्रो हो चुकी है, छोटी साइज का अगर आरबीसी देखने को मिलती है साथ से, तो उसे नाम दिया जाता है माइक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कलर
हाइपोक्रोमिक लेस कलर लेस देन नॉर्मल, जो नॉर्मल कलर था यहाँ पर हीमोग्लोबिन का या आरबीसी में। अब आरबीसी का कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो नॉर्मल हाइपोक्रोमिक कलर लेस देन हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन में जो कलर था आरबीसी का जो कलर था उससे कम का अगर कलर देखने को मिलता है, कम कलर की देखने को मिलती है तो उसे हाइपोक्रोमिक कहते हैं। माइक्रोसाइटिक में 7 माइक्रोन से कम का अगर आरबीसी की साइज देखने को मिलेगा तो उसे माइक्रोसाइटिक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखने हैं कि मेनली यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है तो 40-60 ग्राम परसेंट देखने को मिलेगा। 40-60 ग्राम परसेंट का मतलब होता है 100 ml या 100 ml में कितना देखने को मिलेगा, 14 से लेकर 16 ग्राम मेल में होता है, फीमेल में होगा फीमेल में 13-15 ग्राम परसेंट देखने को मिलेगा, 13 से 15 ग्राम पर डीएल में या पर 100 ml में देखने को मिलता है फीमेल में, 13 से 15 ग्राम या 12 से 14 ग्राम देखने को मिलेगा। बात करें मेल में 14-16 ग्राम परसेंट देखने को मिलता है, यह इसकी क्या हो गया है। बात करें एक ऑक्सीजन होता, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन मॉलिक्यूल ऑफ, जब अपन पढ़ेंगे वहां पर आपको पढ़ाई जाएगी तो वहां पर पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या क्या होती है, किस तरीके से इसका सर्कुलेशन होता है, कैसे बनती है, क्या कहलाता है, रिथ्रोपोसिस क्या होता है, सभी के बारे में अपन डील करेंगे। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है, 4 मॉलिक्यूल को क्या करता है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ, ये मान लीजिए अगर कोई हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है तो अपने साथ में कितने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाएगा, तो यहां पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर के जाता है, ये 4 इससे बाइंड होकर के एक हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल बाइंड होकर के चारों तरफ इसको लेकर के घूमता फिरता है, तो एक मॉलिक्यूल से ये आपका हो चुका है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि बार्टोलियन लाइन क्या होती है, बार्टोलियन लाइन कहां पर देखने को मिलती है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि बार्टोलियन लाइन किसमें देखने को मिलती है। बार्टोलियन लाइन का मतलब होता है ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी, कहां पर देखने को मिलती है, तो अपर जापर ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलती है, इसे नाम दिया जाता है बार्टोलियन लाइन के नाम से जानेंगे। और किसमें देखने को मिलती है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बार्टोलियन लाइन होती है किसमें देखने को मिलती है, तो प्लम्बिस में या लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं यहां पर कि जिंदगी में हो रही लगातार असफलताओं से कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है, तो हमेशा आपको इंतजार करना है यहां पर कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है, किसी भी परिस्थितियां, कोई सी भी परिस्थितियां, कितनी भी विकट समस्याएं आपके सामने आ जाए, आपको कभी उससे घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी तरीके से आपको आगे आगे धीरे धीरे जैसे कदम बढ़ा करके चलोगे उसी तरीके से आपका क्या होने वाला है, यहां पर धीरे धीरे आप मंजिल के पास पहुंचते जाते हैं। तो बात करते हैं यहां पर बार्टोलियन लाइन, बार्टोलियन लाइन के बारे में बात करेंगे कि बार्टोलियन लाइन होती है क्या देखने को मिलती है, कौन सी लाइन को बार्टोलियन लाइन कहते हैं। तो यहां पर बार्टोलियन लाइन क्या होती है, ब्लू कलर लाइन देखने को मिलेगी, ब्लू कलर की लाइन होती है, कहां पर देखने को मिलती है, सीन इन द अपर जापर अगर ब्लू कलर की आपको लाइन देखने को मिलती है अपर जापर, तो इसे नाम दिया जाता है बार्टोलियन लाइन के नाम से जाना जाएगा। बार्टोलियन लाइन अब किसमें देखने को मिलती है, तो इट सीन इन प्लम्बिज्म में देखने को मिलेगी, या इसे लेड पॉइजनिंग में देखने को मिल सकती है। तो यह भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि बार्टोलियन लाइन किसमें बनती है, ब्लू कलर की लाइन बनती है, कहां पर देखी जाती है, अपर जापर देखी जाती है, ब्लू कलर की लाइन होती है जो कि किसकी वजह से देखने को मिलेगी, तो ब्लू कलर की लाइन होती है किसकी वजह से बनती है, तो यहां पर लेड सल्फाइड
लेड सल्फाइड की वजह से लाइन बनेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आपने क्या हुआ प्लम्बिज्म हुआ, उसमें ब्लू कलर के क्या बन गई है, लाइन बन गई है अपर जाप पर। किसकी वजह से बनी है? तो लेड सल्फाइड की वजह से बनी है और इसे नाम दिया जाता है बटोनियल लाइन के नाम से जाना जाता है। अब बात पूछ ली जाती है कि मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मोस्ट सीवियर। अगर मान लीजिए मोस्ट कॉमन पूछा जाता है तो उसका आंसर देना है फेशियल फेलोर हो गए। लेकिन बात पूछ ली जाए कि प्लम्बिज्म का जो मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, तो यहां पर सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इसे नाम दिया जाता है ऑक्यूपेशन में मेनली क्या होगा, बटोनियल लाइन किसमें देखते हैं, तो बटोनियल लाइन देखी जाती है लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म में देखी जाती है। किसकी वजह से होती है, लेड सल्फाइड की वजह से देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, अपर जहां पर देखने को मिलती है ब्लू कलर की लाइन होती है। बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले तो सीएनएस का क्या हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो देश और दुनिया से आने वाले हर क्वेश्चन के बारे में अपन ने घुमा फिरा करके यहां से हर कोई क्वेश्चन बनता है उसको अच्छी तरीके से अपने डील कर लिया है। तो आने वाले हर एग्जाम में ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो उसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके कि कुछ इस तरह से बुन अपनी तकदीर के धागे कि पूरी कायनात को झुकना पड़े आपकी जिद के आगे। तो आपकी जिद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी विषम परिस्थिति में आपको कभी भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आने वाले देश में और दुनिया के हर एग्जाम में सफलता का परिचम लहराना है और सफलता का परिचम आप तभी लहरा सकते हैं जब आपने कठोर दिन रात जाग करके अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करके जब भी मैदान में उतरोगे तो वहां पर आप जाकर के झंडे गाड़ सकते हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, अगर आपको कुछ मेहनत करके काम करना है, बड़ा बनना है, तो आपको रातों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारियां होती है वो बहुत बुरी होती है साहेब, रातों की नींद छीन लेती है। रात को जागने वाला हर कोई लड़का आशिक नहीं होता है कि जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी है क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो इसलिए कभी भी आपके जीवन में कभी भी कोई विषम परिस्थिति आती है या कठिन परिस्थितियां आती है, आपको कभी ठोकर लगती है, तो ठोकर से आपको सीख लेकर के आगे बढ़ना होता है क्योंकि अगर जो ठोकर से सीख लेकर भी आगे नहीं बढ़ता है तो उसमें उसका मुसाफिर की गलती होती है क्योंकि राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके होते हैं। आपको जब ठोकर लगती है तो आपको ईश्वर है वो ये देखता है आपको उसका सोल्यूशन के लिए या आपको आप क्या बेटर कर सकते हैं उस ठोकर से सीख लेकर के, इसीलिए आपको ठोकर लगती है। लेकिन अगर आप ठोकर से भी सीख नहीं लेते हैं तो इसमें आपकी गलती होती है क्योंकि ऊपर वाले ने आपको एक चांस दिया है ठोकर लगा करके कि आप अभी संभल जाइए, नहीं तो वक्त होगा आपको बर्बाद कर देता है। कि वक्त होता है किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त जो कल था वो आज नहीं है और आज है वो कभी नहीं रहेगा। तो यहां पर जब भी अगर मान लीजिए आपको कभी भी दुख या परेशानी होती है तो एक बार की बात है कि किसी अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल एक ऐसी बात बताओ कि जिसको अगर सोचने से अगर कोई आदमी है दुखी है तो वो खुशी हो जाए और जिस आदमी को खुश है वो दुखी हो जाए। तो अकबर ने उसका एक सुंदर सा जवाब दिया। अकबर ने कहा कि जहां पना अगर ये मैं बहुत बोलूं कि अगर कोई मान लीजिए कि ये दुख है वो ये जो वक्त है वो चला जाएगा अगर, तो अकबर ने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो अकबर तो बीरबल ने इसका एक सुंदर सा आंसर दिया कि ये वक्त है वो चला जाएगा, इस वक्त है वो गुजर जाएगा का मतलब है अगर मान लीजिए अगर आप इसको खुशी में देखोगे तो आप दुखी हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये वक्त जब चला जाएगा अगर खुशी है तो आने वाले दिन में क्या आने वाला है, सुख सुख की जगह दुख आ जाएगा। लेकिन यही अगर आप किसी पर्सन कोई दुखी पर्सन है तो वो सोचेगा कि ये वक्त गुजर जाएगा तो दुख है अभी, ये गुजरेगा तो क्या आने वाली है, खुशी आने वाली है। इसीलिए आपको कभी भी कोई वक्त है ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता है। अगर आपकी अभी कठिन समस्या आ रही है आप लेकिन उसका डट करके मेहनत करके कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, जो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। इसलिए आपको हमेशा कठिन परिश्रम करना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी और उस दिन के लिए आपको रातों जाकर के अपना
लड़ाई करनी पड़ती है, रातों जाग करके अपनी नींदों को उड़ा करके अपने सपने को साकार बनाने के लिए थोड़े दिन आप सब कुछ त्याग दीजिए, केवल और केवल आप पढ़ाई पर अपना फोकस करिए। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अगर आज आपने सर झुका करके मेहनत कर ली है तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो इसीलिए जब भी अगर आपको कोई टेंशन होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। जब भी अगर भगवान आपको कोई परिस्थितियां देता है, विषम परिस्थिति देता है, कठिनाई में डालता है, तो उससे आपको क्या लेना है, सीख लेना है, अपने आप को मजबूत बनवाना है। क्योंकि जितना ज्यादा लाइफ में आपके स्ट्रगल होगा आप उतने ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, और आज आप जितने ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे आने वाली लाइफ है वो आपको क्या लगने लग जाती है, उतनी ही आपकी लाइफ होगी इजी हो जाती है। कि यहाँ पर दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो लौट कर आपको समय देगा। इसलिए वक्त ना लगाइए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। इसीलिए समय और समझदारी दोनों एक साथ नहीं आती है, समय और समझदारी दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आपके पास समय रहता है समझदारी नहीं आती है, लेकिन जब आप में समझदारी आती है तब तक समय जा चुका होता है। इसीलिए समय और समझदारी के बीच का जो गेम है, जो सामंजस्य है, उसको बिठा करके रखना है। तभी आप, अगर आप में समय रहते आप में समझदारी आ जाती है तो आप एक दिन बहुत बड़े और सफल आदमी बन जाते हैं। इसके पीछे आपके रातों की मेहनत होगी, एक दिन से कुछ नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी आपको सफलता पाने के लिए चलना ही पड़ता है। यहां पर जब भी अगर आपको, आपने देखा होगा अभी जो घना कोहरा चाह रहा था, फोग आ रही थी, तो उसने भी आपको एक शिक्षा दी है कि जब भी आपको कुछ दिखाई ना दे तो आपको बहुत दूर देखने की बजाय आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक कदम आगे चलना है। आने वाला रास्ता है वो अपने आप क्लियर होता चला जाता है। इसीलिए जब भी आप लोग सर्दियों में फोग देखा होगा, बहुत तेज फोग होती है, और जब आप देखते हैं तो आपको बहुत दूर का दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ पास का कुछ डिस्टेंस का, कुछ मीटर का दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे वो फोग होती है दूर चली जाती है। तो इससे भी ये सीख मिलती है कि हमें जब भी दूर का कोई दिखाई नहीं दे या कठिनाई में कुछ ज्यादा आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो आपको कुछ उसको सोल्व करने के लिए एक कदम बढ़ाना है। धीरे धीरे आप उसके पास जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते चले जाओगे। कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा। जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम के, जो बिगड़े रिश्ते ना बनाते वो खुदाई किस काम के। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, और जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसलिए अपनों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। इसलिए अपने आपका अपने के साथ में अच्छी तरीके से बर्ताव करना है, और अपनों का और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है, और अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है। तो आने वाली एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बेस्ट ऑफ लक आने वाली सभी एग्जाम के लिए, आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है, और आने वाली एग्जाम में भी विजेता बनकर उभरोगे, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो बहुत जल्द आप खुशखबरी लाने वाले हैं। तो आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें अच्छी तरीके से अपने मेहनत को कंटिन्यू रखना है, अपना हथियार बनाना है, मेहनत को बनाना है, ताकि आने वाली हर सफलता की सीढ़ी आपको मुबारक हो जाए या आपको हासिल हो जाए। तो आपको कभी भी निराश होकर के, हताश होकर के वापस से लौटना नहीं है, क्योंकि आप आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अब आपको वापस जाने में भी आधा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है आप आधा रास्ता तय करके वापस अपने घर जाने की बजाय अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी एग्जाम में सभी को बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं आपसे बहुत, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।